11 सेकंड के अंदर लाना है, स्पीड एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों 100 मीटर रनिंग अच्छा करने के लिए हमारे हाथों में और पैरों में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। और सीधी से बात है दोस्तों, हमें 100 मीटर अच्छा टाइमिंग लाना है, 11 सेकंड के अंदर लाना है, तो आपको स्टार्ट भी अच्छा लेना चाहिए और फिनिश भी अच्छा करना चाहिए। और उसमें दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपका 100 मीटर इवेंट है उसके साथ अगर आप किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, अगर आपको 100 मीटर रनिंग 11:50 के अंदर लाना है, उसके साथ अगर आपको 11 सेकंड तक लाना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका स्टार्ट और फिनिश अच्छा होने के लिए आपको हाथों में और पैरों में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। उसके लिए आपको कुछ पावर वर्कआउट करना चाहिए, स्पीड एक्सरसाइज करना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आज के वीडियो में कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज देखेंगे, जिसके वजह से आपके लेग में और हाथों में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पावर बढ़ेगी, उसके साथ आपका स्पीड भी अच्छा बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज किस तरह से करना है, कैसे करना है, चलो हम आज देखते हैं। और अच्छे से दोस्तों देखना और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और अच्छी तरह से समझ जाओ, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे हमें किस तरह से एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज हम यहाँ पर स्टेयर पर रखेंगे, हम ऐसे 4 या 5 एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से देखना है और हर एक एक्सरसाइज आपको 2 या 3 सेट लगाने हैं, और ऐसे आप वीक में 2 बार इस एक्सरसाइज को जरूर करें। तो सबसे पहले हम डबल लेग अप डाउन करेंगे। हमें क्या करना है, स्टेयर पर इस तरह से दोस्तों आपको स्पीड से करना है, आपको जितना हो सके उतना स्पीड से इस तरह से एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज आप स्पीड से ज़रूर करें, और इससे आपके जो 100 मीटर में पैरों का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। और ऐसे आपको दोस्तों 20 सेकंड के 3 सेट लगानी है। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंगल लेग अप डाउन करना है, और ऐसे भी एक्सरसाइज दोस्तों आपको स्पीड से करना है। इस तरह से आपको स्पीड से लेग अप डाउन करना है, और ऐसे भी एक्सरसाइज से आपका स्पीड बढ़ता है, आपके लेग की मूवमेंट अच्छे से फास्ट हो जाती है, और इसी के साथ आपका 100 मीटर का टाइम भी कम होता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पर हॉबिंग करेंगे। हमें दोनों पैरों पर इस तरह से आपको जर्क लेना है और ऊपर की तरफ जंप लगानी है। इससे आपके लेग में स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ती है, और आपका जो 100 मीटर का स्पीड है वो भी बढ़ता है, आपके लेग में पावर बढ़ती है। और ये सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है, और हर एक एक्सरसाइज आपको 20 सेकंड तक करना है, और हर एक एक्सरसाइज की 2 या 3 सेट लगानी है। दोस्तों अभी हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको आपको हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए, जिससे आपका स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ेगा, जिसका आपका जो 100 का टाइमिंग होगा अच्छे तरीके से कम होगा। और हर एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट आप जरूर करें, और स्पीड से एक्सरसाइज करना है। अगर आप स्पीड से एक्सरसाइज करोगे तभी आपका अच्छा टाइमिंग आएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जंप एंड स्क्वाट लगाने हैं। इस तरह से आपको स्टेयर पर जंप लगाने है, और उसके बाद आपको 1 सेकंड होल्ड रखना है, इससे आपके लेग में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपर बॉडी का वर्कआउट करना है, यहाँ पर हम पुशअप्स लगाने हैं। और दोस्तों आपको मीडियम स्पीड से पुशअप लगाने हैं, ज़्यादा फास्ट भी लगाना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं। इस तरह से आपको 10 या 12 रेपिटेशन लगाने हैं, और उसके आपको 2 या 3 सेट करने हैं। और अपर बॉडी का वर्कआउट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 100 मीटर करते हो तो आपको अपर बॉडी का भी वर्कआउट करना चाहिए। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और लास्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पर बेंच डिप लगाना है आपको। इस तरह से आप पार्टनर ले सकते हो, और यहाँ पर आपको अप डाउन करना है, इससे आपके ट्राइसेप में भी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ेगी। और इस सभी एक से एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं, 8 या 10 रेपिटेशन लगा के आपको 3 सेट लगाने हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना आप, जो अभी हमने जो प्रैक्टिस किया, जो सभी एक्सरसाइज किए, इसको आप अच्छे से करना, आपका जो 100 मीटर का स्पीड है अच्छे से बढ़ेगा, और आपका टाइमिंग भी कम होगा। अगर आप इसी एक्सरसाइज को अगर आप 1 मंथ को अगर आप करते हो, 1 या 1.5 मंथ तक करते हो, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। आपका एक या डेढ़ सेकंड 100% कम होगा अगर आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।